आज के लेसन में हम लेसन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इंट्रोडक्शन टू कोर्स 1 को डिस्कस किया, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कोर्स 2 को डिस्कस करेंगे। पहले में हमने देखा कि डिफरेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें भी हम डिफरेंट वॉवल्स को डिस्कस करेंगे। जिस तरह इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश वॉवल्स की बात करें तो दे आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश, एक्सेंट आउट ऑफ द 20 आर वॉवल्स, लेफ्ट ऑफ देम आर कॉन्सोनेंट्स। मतलब इसमें वॉवल्स भी हैं, कॉन्सोनेंट्स भी हैं, डिपथोंग्स भी हैं, लॉन्ग वॉवल भी हैं, शॉर्ट वॉवल भी हैं। कहते जी प्योर वॉवल्स आर मोनोफोटोंग्स आर 12 आउट ऑफ विच आर 5 लॉन्ग एंड 7 शॉर्ट वॉवल्स। एग्जाम्पल ऑफ दीज वॉवल्स आर गिवन। शॉर्ट वॉवल्स में अगर देखें तो पिट, पैट, पैट, पुट, पॉट, पट एंड अदर, ये शॉर्ट वॉवल हैं। लॉन्ग वॉवल्स की बात करें तो डिफरेंट लॉन्ग वॉवल्स हैं, पीन, बर्न, बोर्न, बोन। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश डिपथोंग्स क्या हैं। इंग्लिश डिपथोंग्स आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरी जी, सेंटरिंग विच एंड विद ई साउंड एंड क्लोजिंग विच एंड विद आई आर यू साउंड रिस्पेक्टिवली। एग्जाम्पल ऑफ दी डिपथोंग्स आर गिवन बिलो। ये डिपथोंग्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंसोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश साउंड्स आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर, प्लोसिव्स, नसल्स, फ्रिक्टिव्स, फ्रिक्टिव्स, अप्रोक्सीमेंट्स। तो ये सारे डिफरेंट किस्म के कंसोनेंट्स हैं जिनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। दी साउंड्स आर प्रेजेंटेड विद एग्जांपल एज, प्लोसिव साउंड्स कौन कौन से हैं, इसमें पी, बी, टी, डी, के, जी, योर नसल, जो एन से होते हैं, नसल मतलब नोज से, एम, एन, तो ये सारे फ्रिक्टिव साउंड्स जो हैं, फ्रिक्टिव इसमें एफ, वी, तो ये डिफरेंट फ्रिक्टिव हैं, इसमें जस्ट दो हैं, अप्रोक्सीमेंट हैं इसमें जस्ट इसमें तीन चार हैं, एल है, आर है, डब्ल्यू है, जे। तो कॉन्सोनेंट्स में भी आगे सब काइंड्स हैं जिनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। डिफ्थोंग्स की भी आगे काइंड्स हैं, कॉन्सोनेंट्स की भी काइंड्स हैं। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंग्लिश साउंड, मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। कहता जी एज डिस्कस अर्लियर, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, द आर पी बी बी एक्सेंट ऑफ इंग्लिश एज 44 साउंड्स, द आई पी ए सिम्बल्स, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंग्लिश सिंबल्स फॉर दी साउंड्स आर गिवन हियर, योर अंडरस्टैंड, यू कैन ऑल्सो सी दैम फ्राम आई पी इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट चार्ट्स। वॉवल्स हैं, लॉन्ग वॉवल्स में अगर देखें तो ये डिफरेंट लॉन्ग वॉवल्स उसने सिंबल्स दिए हैं, शॉर्ट वॉवल्स के भी उसने सिंबल्स दिए हैं, डिपथोंग्स के भी उसने सिंबल्स दिए हैं। कॉन्सोनेंट्स में देखें तो 5 काइंड्स उसने कॉन्सोनेंट्स की बताई हैं और डिफरेंट उसके सिंबल्स या करेक्टर्स बताए हैं, अल्फ़ाबेट्स बताए हैं। प्लेसिव्स हैं, नसल्स हैं, फ्रिक्टिव्स हैं, उसके बाद फ्रिक्टिव्स हैं, अप्रोक्सीमेंट्स हैं। तो ये सारे साउंड्स हैं टोटली, जिसमें कंसोनेंट्स हैं, वॉवल्स हैं और डिपथोंग्स हैं, और उसकी फर्दर डिवीजन है। इंट्रोडक्शन टू फोनोलॉजी, फोनोलॉजी है क्या, इसमें हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। फोनोलॉजी स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज, मतलब अगर हम खास लैंग्वेज को डिस्कस करें तो उसको फोनोलॉजी कहते हैं। इन फोनोलॉजी इट मैटर्स वेदर साउंड्स आर कंट्रास्टिव आर नॉट, दैट इज़ वेदर सब्स्टिट्यूटिंग वन साउंड फॉर अनदर गिव्स अ डिफरेंट। फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश आर एंड एल आर टू डिफरेंट साउंड एंड वर्ड्स रोड एंड लोड डिफर अकॉर्डिंग टू विच ऑफ दिस साउंड इज यूज, मतलब इनके साउंड डिफरेंट हैं और इनके एंड पे डी है, इसका मतलब ये नहीं कि इनके सेम मीनिंग होंगे, इनके मीनिंग अकॉर्डिंग टू साउंड हैं। सिमिलरली फोनोलॉजिस्ट डिस्क्राइब कंट्रास्टिव साउंड कंसोनेंट्स एंड वॉवल्स इन साउंड सिस्टम, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सिलेबल फ्रेजर रिदम टून एंड इंटोनेशंस ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज। उसके बाद फोनेटिक्स क्या है, इसमें फोनेटिक्स को देखते हैं। फोनेटिक्स एज अ डिसिप्लिन द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड, इंसान के जो स्पीच साउंड हैं
उनकी स्टडी को फोनेटिक्स कहते हैं। इट इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग हाउ साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड यूजिंग माउथ नोज टीथ एंड टंग, के इसमें वो चीज़ें शामिल होती हैं कि इंसान कैसे बोलता है अपनी ज़बान को इस्तेमाल करते हुए, नोज़ टीथ एंड टंग एंड हाउ एयर हेयर दो साउंड्स एंड कैन टेल दैम अपार्ट। उसके बाद इन फोनेटिक्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द वेव फ्रॉम ईच साउंड कैन ऑल्सो बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ फोनेटिक्स, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, अकोस्टिक्स फोनेटिक्स एंड ऑडिटरी फोनेटिक्स। मतलब फोनेटिक्स की भी आगे काइंड्स हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।